बता दिया कि साइंस के साधनों से कैसे बच्चे बाबा के सामने, लेकिन जो साकार में बाबा के सामने यहाँ मिलने के लिए आते हैं वो तो विशेष मिलन है। वह हम सब बाबा के साथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं। दादियाँ मंच पर आ गई हैं, हम सभी ये मिलने का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। देखिए बाबा और दादियों का मिलन, प्रत्यक्ष मिलन कितना सुंदर होता है। ये टीवी वाले खड़े हैं जो बैठे हो सब इधर कैमरा के पास खड़े हुए सब भाई बैठ करके देखें बाबा को। मेहनत अच्छी की है प्रकृति से भी पहुंच मेहनत ठीक रहे इस टाइम मदद अच्छी मिल रही है और सभी देख करके भी कितने खुश होते। सभी देख के आपको बहुत खुश होते। अरे चक्कर भी बहुत लगा दिया। अच्छा है ना, तो अच्छा है जो चल कर फिर कर भी तबीयत ठीक है। परंतु फिर भी आयु के हिसाब से ठीक है। इतना प्यार है बाबा से का दादी अपने सारे एरिया का सब लोगों का। जल्दी आना, अभी नंबर आ रहा था। सब भाई नहीं आ रही है। उन्होंने निमंत्रण दिया था इब्राहिम ने वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर को मिलाने के लिए मुख्य रहा। बहुत अच्छा मिलन। अच्छा है एक दो को सहयोगी बनना, बहुत अच्छा। ये क्वालिटी लोगों की दादी उन्हों के ही निमंत्रण पर गई थी। मतलब टोटली जो सेवा चल रही है अभी अभी ठीक अटेंशन है। विदेश में भी अच्छे चल रहे हैं। विदेश का असर देश में आता, देश का विदेश में है। अभी सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सभी। माँ भी एक दो के मददगार भी है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ये तबीयत थोड़ी रेस्ट कर रही है। आपकी गोद में है कहती है। हाँ तो वहाँ तो रेस्ट ही है। अच्छा आजकल ठीक है थोड़ा। हाँ नहीं ये सदा ठीक होते ठीक। आपका वरदान है। अब इसके बाद निवे भाई, रमेश अच्छा। भाई, ब्रिजवन भाई अच्छा। मंच पर आएंगे। आप सबने प्यारे बाबा और दादियों का सुंदर मिलन देखा। बाबा के सामने देश विदेश के बच्चे हैं,
देश की सेवा से विदेश की सेवा, विदेश की सेवा से देश की सेवा। अब त्रिमूर्ति भाई बाबा के सामने आ रहे हैं। निवेद भाई, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, हो जाता है जिसके लिए सोचते हैं ना, वो ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ये नहीं सोचो, सोचो बस हुआ दवाई हो गई है, जैसे दवाई हो गई बस। बाबा याद किया, बाबा को बीमारी की गोली एक बार ही ले ली बस। भले जो दवाई है ना, उसको जिस समय लो उस समय समझो ये हमारी दवाई काम में आई। भले नहीं धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपको फर्क महसूस होगा बस। और सभी को पता है, तो इनकी तबीयत खराब है तो सब ध्यान, अभी सब यह भाव सोना तो सभी का ध्यान आप में भी जाएगा। अब इसके बाद त्रिमूर्ति भाई बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करेंगे। निवे भाई सभी विदेशी भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। सभी भाई बहने जोर से ताली बजाएंगे। और रमेश भाई बाप दादा को ईस्टर्न जोन की तरफ से, ईस्टर्न और नेपाल की तरफ से बाप दादा को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। इसको याद देना। और ये ब्रिजमोहन भाई तमिलनाडु तथा सभी भाई बहनों की तरफ से, मधुबन और भारतवासियों की तरफ से ब्रिजमोहन भाई बाप दादा की तरफ से उसको देना। किसकी याद दिया ना आपने, पता नहीं किसकी याद दिया। आपके भाइयों में से किसकी है ना तबीयत खराब बहुत है? नहीं जी, किसकी तबीयत खराब है ना आपने बताया। बाप दादा तो बच्चों को याद करते हैं। ठीक है, सभी खुश खुश तो खा पी तो रहे हैं ना। क्योंकि ये दिनों से होते हैं, टोली भी खाते नहीं, ये तो खाते रहना चाहिए, नहीं तो वो हो जाए। खाओ खाओ पियो, जरूरत नहीं है। अरुबर टोली नहीं खाओ तो भी समझो तो तबीयत खराब है। मेरे दिल की यही बात है। रात में भोग भी सब खाते हैं, भोग भी खाते हैं। भोग तो सभी को मिलता ही है ऑटोमेटिकली, कैसा भी बीमार होगा भोग तो जरूर पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, बेफिक्र नहीं पड़ना। अच्छा है, संभाल करो, लेकिन ज्यादा नहीं, बीच का जैसे होना चाहिए वैसे। क्योंकि यहाँ तो ढेर है ना, एक दो को देख करके भी एक दो का तीर लगता है। तीर। बाप और बच्चों की मीठी रूहान संख्या बढ़ेंगी। क्यों? और भी संख्या बढ़ेंगी। बाबा ने आज बोला ना, मधुबन में दौड़ के आने का मन होता है उसका।
संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ाना पड़ेगा। साधन साधन अपनाएंगे आएंगी तो यही बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वो ठीक अपने को रखते हैं तो आते हैं, कहाँ आएंगे, यहीं तो आएंगे। रहने का साधन तो बढ़ाना पड़ेगा, रहने का साधन तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी ऐसा हुआ है, चल रहा है ना, बाहर बैठे हैं बहुत, बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, हॉल भर गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सब बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं, बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल मैदान सब जगह पर बैठे हुए, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना। आपने तो पहले ही बोल दिया साइंस का साधन है, एटीवी में देखते हैं बाबा को मिलन मना रहे हैं, बाहर टीवी लगा हुआ है, सब जगह टीवी लगा हुआ है। मतलब तो अपने स्थिति का संभाल पहले करना है, दवाई लेने के पहले ही सोच ले मेरे को क्या है, ऐसे ही नहीं भाई, जल्द जैसे कहते हैं यहाँ सहज है ना, तो बस दवा खाने में चल कहेंगे ये है, थोड़ा सा अभी शुरू हुआ है। आपको भी आने का ज्यादा टर्न बनाना पड़ेगा, वो तो देख लेंगे आने का, बाकी पहले ये साधन यहाँ के जो है वो ठीक हो जाए। किसने? नहीं नहीं, ये हॉल है ना बाबा, इसमें छत धीरे धीरे आप ही ठीक होते जाएंगे, साधन मनुष्य बढ़ेंगे तो साधन भी जरूर बढ़ेंगे ना, साधन को बढ़ाना भी पड़ेगा। वो तो क्योंकि भाषण सुने वो अवस्था तो चाहिए ना, अगर नहीं प्रबंध होगा ठीक तो बोली क्या सुनेंगे, बरसात का पानी का गिनती करते रहेंगे। इसलिए लिमिट चाहिए, सब में लिमिट चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन साधन के वशीभूत हो के नहीं, साधन तो अपनाना, यहाँ साधन के बिना तो चल ही नहीं सकते बारिश ये ऐसी। साधन होते तो साधना सहज होती है ना, अगर उसी रीति से लेवे तो साधन सहज है, बाकी वैसे अगर ज्ञान के रीति से देखे तो ट्रुबच में नहीं जाना है, यूज जरूर करना चाहिए लेकिन हद। ओम शांति।
बाबा जी हर प्रश्न का उत्तर इतना सहज, बाप और बच्चों की मीठी मीठी रूहान हम सब ने सुनी। बच्चे क्या चाहते हैं, बाबा हम बच्चों को कैसे ये युक्ति युक्त बनाकर साधनों का प्रयोग करते हुए साधन कैसे यूज साधना कैसे करनी है वो बाबा ने बताया। और उसके बाद विदेश की हमारी चार मुख्य बहनें बाबा से मिल रही हैं। रेस्ट पे हैं। पांच जने हैं। चार। ये दो, ये पांच। ये पीछे। तो आप लोग अपने शरीर के हिसाब से तो करते ही होंगे ना, ऐसे भी नहीं कि शरीर का क्या करें, भोगना तो भोगनी पड़ती है ना। इसीलिए अपनी संभाल पहले ही करो, बीमार होने के पहले ही जो साधन देख पहले ही पता है आने की निशानी ये है, दवाई ये है, ये भी जानते हो। तो अभी तो सब डॉक्टर आते छोटे मोटे तो हो गए लेकिन पास करा के फिर नहीं। तो कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, वेबसाइट बनाई है, ये कुछ नया वेबसाइट बनाया है, इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसमें सारे वर्ल्ड लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेशनल वेबसाइट है जो सारी लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप वो फिर छोटे छोटे जो क्लास होते हैं उसमें सुना दे, नहीं आप टच करेंगे तो इसकी उद्घाटन हो जाएगा। अच्छा बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छा दादी को इधर ले, आप लोग कुछ पूछना। अब इसके पश्चात प्यारे प्यारे बाबा को अमेरिका से मोहिनी बनाई है ना, अभी परसों तो सभी ने बहुत बहुत आपको याद प्यार भेजा है, कहते हैं आप सामने जाते हो ना तो हमारी याद प्यार देना, सभी को चांस नहीं मिलता है ना। नहीं याद तो जरूर दे दो जो कि नहीं तो वो उनका संकल्प चले। हाँ आज सुन रहे हैं तो इसलिए खुश हो रहे हैं। अच्छा है अभी इनकी भी संभाल अच्छी। दादी जानकी जी प्यारे बाबा को आप सबकी तरफ से भोग स्वीकार कराएंगी। जैसे ही बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को उस समय टोली बांटेंगी जब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगी। हॉल में टोली बांटने वाले भाई बहन तैयार रहेंगे। आज का ये मिलन बाप और बच्चों का कितना सुंदर, सामने बाबा और बच्चे, बच्चे अपने मन के प्रश्न बाबा के सामने रखते और बाबा बच्चों को उनके प्रश्नों का ऐसा उत्तर दिया जो कि बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं बाबा ने बच्चों को बताया। और बाबा ने तो बता ही दिया है कि साइंस के साधनों के द्वारा बच्चे बाबा को कितना सहज रीति से मिलते हैं, लेकिन मधुबन में मिलना वो सबसे बड़ी बात है। बाबा को सामने देखना कितनी बड़ी बात है, अभी आप देखिए, आप सामने देखेंगे, आपके ही सामने दादी जी बाबा को भोग स्वीकार कर जोर से ताली बजाएंगे।
आपकी तरफ से आपके सामने बाबा को मोक्ष स्वीकार कराया जा रहा है और चोली बांचने वाली भाई बहनी हाल में बैठी हुई सभी भाई बहनों को चोली देना आरंभ करेंगी। रेलिंग के पीछे खड़ी हुई माताएं बैठ जाए, विदेशियों के पीछे खड़ी हुई माताएं हॉल में बिठाने वाले ध्यान देंगे, इन बहनों को बिठा दिया जाए, वो लोग बैठ करके देखेंगे। सोफे के पीछे, रेलिंग के पीछे ड्यूटी वाली बहने, तमिलनाडु की बहने ध्यान दे, कोई भी खड़ा ना रहे, सबको बिठा दे, बैठ कर भी बाबा को देखेंगे। बाबा ने कहा दिल में बैठो, आज तो दिल में बैठने का दिन है, जो बाबा के दिल में वो सब कुछ पाएगा, झोली भरपूर हो जाएगी, तो खड़ा रहेगा। बाबा तो अपने दिल में उनको बिठा देंगे जो बाबा के स्नेही बच्चे हैं। माताएं बैठ जाएंगी, बाबा देख रहे हैं। आज दिल का प्यार बाबा बच्चों का देख रही हैं, जिनका दिल का प्यार बाबा के साथ है वह बाबा को अपने दिल में बिठाएंगे, जिनका प्यार नहीं है वो इधर उधर देख के खड़े हो जाएंगे, इसलिए बैठ करके बाबा को देखो, कोई भी खड़ा नहीं रहे। बाबा खड़े होकर देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि तो बैठे हुए बच्चों के ऊपर आ रही है, जो भी खड़े हैं बैठ करके बाबा को देखें। आप सबकी तरफ से बाबा ने प्यारी दारी को भोग स्वीकार कराया। साधना और शिक्षा वही है। हॉल में बिठाने वाले भाई तमिलनाडु के भाई बहने ध्यान देंगे, क्या बाबा को भी देखो, खड़े हुए भाइयों को बिठा दे। जो भाई बहने डायमंड हॉल के बरामदे में डाइनिंग हॉल से चेयर्स लेकर के आए हैं, वह अभी ही डाइनिंग हॉल में चेयर्स वापस छोड़ कर के आए, क्योंकि थोड़े समय में आप सभी को भोजन स्वीकार करना है। डाइनिंग हॉल से जो भी भाई बहने चेयर्स लेकर के आए हैं, वह वापस डाइनिंग हॉल में ही चेयर्स छोड़े। आज तो बाबा को हम दिल में बिठा रहे हैं, बाबा हमारे दिल में है। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो, वसुंधरा पे गूंज रही
रत्नमोहिनी जी के जीवन के ऊपर बहुत सुंदर किताब लिखी है। बाप दादा उसका विमोचन किया। जोर से ताली बजाइए।
इस किताब का नाम ही बहुत सुंदर है, पर्ल ऑफ पीस, जैसा कि दादी का नाम है रतन मोहिनी दादी, तो इस किताब का नाम भी बहुत सुंदर है, पर्ल्स ऑफ पीस। दादी रतन मोहिनी जी, तेरी आंखों से पीते हम है अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड़ो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा। अभी आप देख रहे हैं बाप दादा ने बच्चों को कितना भरपूर किया,
और बाबा तो बच्चों को वतन में भी बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अभी बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर वतन में जाएंगे और हम सब बच्चे बाबा के साथ वतन में बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। बाबा कहते हैं जब चाहो मेरे पास आ जाओ। तो आज हम सब बाबा के साथ, बाबा हमसे विदाई ले रहे हैं। आज जो भी भाई बहने खड़े हैं, बैठ सकते तो बैठ जाएं, नहीं तो अपने स्थान पर। थोड़ी बांटने वाले जल्दी से पूरा करेंगे थोड़ी बांटना। बाप दादा आप सबको देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा आप सबको देख रहे हैं और अभी बाप दादा हमसे बधाई देते हुए विदाई ले रहे हैं। Oh,
खुशियों का सब संसार मिलता है तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा तेरी राह में चल कर सा तेरा ले लिया बाबा साथ ले लिया बाबा कमल के देंगे जब तक गुलजार दादी जी वापिस आए भाई बहने ध्यान देंगे जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे और सौगात लेंगे ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ चेक योर बिलोंगिंग बिफोर यू लीव द डायमंड हॉल गिव अ बिग थैंक्स टू गुलजार दादी एंड वी हैड अ नाइस मीटिंग विद दादी कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन भाई बहनों ने सौगात नहीं है कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे और सौगात लेंगे आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया